जय सियाराम। प्रिय दर्शकों, आज सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किन 13 व्यक्तियों को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, और अगर इनको प्रणाम करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी हानि होती है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संसार में धीर पुरुष को चाहिए कि वह किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी ना तो ठहरे और ना यात्रा ही करे। इसी प्रकार धीर पुरुष को दीपक की छाया में तथा बहेड़े के वृक्ष के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क अथवा कानों को ढककर, जल में खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर, कक्ष खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं होता। अपने चाचा और मामा आदि के सामने आने पर उठकर उनका सम्मान करें, बैठने को आसन देना चाहिए, और उनके सामने मर्यादा में खड़ा या बैठा रहकर उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन पर मनन करना चाहिए। वेद शास्त्रों के अनुसार किन 13 व्यक्तियों को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं नंबर 1, अपने से छोटों को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को कभी भी प्रणाम ना करे। नंबर 3, जिसने तेल लगाया हो किंतु स्नान ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रणाम ना करे। नंबर 4, जिसके मुंह और हाथ जूठे हों, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जो व्यक्ति भीगे अथवा गीले वस्त्र पहने हो, उस व्यक्ति को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। नंबर 6, जो रोगी हो, रोगी व्यक्ति को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो व्यक्ति समुद्र में घुसा हो, उस व्यक्ति को भी प्रणाम ना करें। नंबर 8, जो व्यक्ति उद्विग्न हो, उस व्यक्ति को भी प्रणाम ना करें। नंबर 9, जो भार ढो रहा हो, अतः भार ढोने वाले व्यक्ति को भी प्रणाम ना करें। नंबर 10, जो यज्ञ कार्य में लिप्त हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम ना करें। नंबर 11, जो व्यक्ति स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रणाम ना करें। नंबर 12, जो बालक के साथ खेल रहा हो, उस व्यक्ति को भी कभी प्रणाम ना करें। नंबर 13 है, जिस व्यक्ति के हाथ में फूल और कुश हो, उस व्यक्ति को भी प्रणाम ना करें।
इस प्रकार ऐसे 13 व्यक्तियों को कभी भी प्रणाम ना करें, नहीं तो जीवन में कुछ भी हानि हो सकती है। जय सिया राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम।